It's 6:30 a.m. in the morning. Hello, good morning everyone. Today is mid of March. बिल्कुल सेंटर है आज मार्च का और इस वक्त टेम्परेचर है -15 degrees और मैं ना ये जो है ना ये पूरी रजाई है ये मैं बाहर लेके आई हुई हूँ क्योंकि पूरी जैकेट या पूरा पैक होना पड़ता है सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो मैं स्पेसिफिकली आई थी ये देखने. लुक एट द मून, कितना सुंदर लग रहा है ना. हाय, आई एम सो सॉरी टाइम लैप्स को इंटरप्ट करने के लिए, बट अभी दिन हो गया, अभी और टाइम लैप्स नहीं बनाना. एंड मेरे पास अभी भी 1 घंटा है काम शुरू होने से पहले, अभी 7 o'clock हुए हैं. सो आई एम थिंकिंग कि ना मैं बाहर एक चक्कर लगा के आऊँ, यू नो, ये ठंड सारी फील करके आऊँ और ख़ुद को और थोड़ा एक्टिव करूँ. ठीक है, तो अभी 1 घंटा पड़ा है काम शुरू होने में, चलो फटाफट से बाहर जाके आते हैं. ये देखो मेरा कल वाला दस्ताना यहीं पे पड़ा है. मेरा ना गर्मियों में रूटीन होता है कि सुबह सुबह बाहर जाके आना, जब सर्दियाँ हो जाती हैं तब मैं बंद कर देती हूँ. तो अभी जैसे गर्मियाँ आ रही है ना, मिड ऑफ मार्च तो आ गया, तो मुझे ऐसे है मैं वो रूटीन को थोड़ा थोड़ा करूँ, मतलब स्टार्ट करूँ. ये सुबह के 7 o'clock का टाइम है गली का. किसी साइड से लग रहा है किसी ने ऑफिस जाना है. और शाम को ना अगर 3 बज रहे होंगे 5 बज रहे होंगे तब भी ऐसा ही माहौल होगा. इतने घर हैं, मैंने ना कभी नहीं देखा कि कोई बाहर ऐसे मुंडरा रहा हो. ये पैरों की आवाज़ सुनना, ठीक है. और पता, मैंने अभी नोट किया चांद अभी तक है. सीम्स लाइक ये बर्ड किसी को ढूंढ रही है. बता, हमें कुछ क्यूट दिख गया यार सुबह सुबह. ऐसे काम पे नहीं पहुंचा जाना बता, जैसे मैं खड़े होके ना हर किसी के शॉट्स ले रही हूँ. 20 मिनट्स रह गए सिर्फ, तो अब मैं थोड़ी फास्ट हो गई हूँ. यू ना, सब लोग बोलते हैं ना कि अकेले रहना है, अकेले रहना है. अकेले रहने के ना बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं. एक चीज़ मैंने ये जो नोट की है ना, वो ये है कि अकेले रहने से ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो. मतलब अब सेंसिटिव के 2 views हैं, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी. नेगेटिवली अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो भी फील हो जाता है आपको बहुत ज़्यादा. अगर किसी ने आपके लिए पॉजिटिवली कुछ कर दिया तो उस बंदे की इमेज भी ना आपके दिल में बहुत बड़ी बन जाती है, यार इसने मेरे लिए ये किया है. तो इसका रीज़न पता क्या है, वो ये है कि ना आप खुद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने लग जाते हो. जब आप भीड़ में रह रहे होते हो ना लोगों में, तब ना डेली एक्टिविटीज़ में आपकी जो इम्पोर्टेंस है कई बार वो चली जाती है और आपको ध्यान भी नहीं रहता कि कई एक्टिविटीज़ में आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना, वैल्यू है, वो जा रही है. बट जब आप दूर रहते हो ना तब आपको चीज़ें क्लियरली दिखती हैं और ख़ुद की इम्पोर्टेंस आप पहले रखने लग जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहले चीज़ क्या होती है, आप खुद. 7:53 हो गए हैं, 7 मिनट्स रह गए हैं. हाँ, ये मैं पहुँच जाऊँगी घर पे टाइम पे. कंप्यूटर वगैरह अपने ऑन करके आई हूँ ताकि अगर लेट हो जाऊँ ना तो जल्दी से आके ना सिर्फ एक बटन ही दबाना हो.
7:55 हो गए। देखो हीट कितनी चल रही है घरों की, तो 59 हो गया यार। मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंची हूँ ना। के लोग होते हैं, एक ना जो सिर्फ अपना सोच के दूसरों को खुद से दूर नहीं होने देते और उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो खुद से इतना वाकिफ होते हैं कि दूसरों को अपने करीब नहीं आने देते कि वो उनको हर्ट ना कर दे। सो इट्स 10:30 एंड मेरा योगा हो गया है एंड मेरी ये शॉर्ट ब्रेक चल रही है और इसमें मैं अब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। पता है ये आई डोंट नो लड़का या लड़की है, पता है मैं इसको रोज़ देखती हूँ यहाँ से ऐसे काम पे जाते हुए। सो अगर ये बंदा पैदल जा रहा है विच मीन्स ये बस से जाएगा, और पता है बस स्टॉप इतनी दूर है ना, बहुत ज़्यादा दूर है। एंड हैट्स ऑफ टू हर और हिम कि इतनी दूर ये पैदल चल के जाता है। पता है कितनी दूर है, पता है यहाँ से चल चल के ना ये वो रोड है ना जो मेन रोड वहाँ तक जाएगा, उसके बाद लेफ्ट लेके इससे भी ज़्यादा चलना पड़ेगा फिर जाके बस स्टॉप आएगा। मतलब टोटल आधा घंटा लगेगा। वो आ गई मेन रोड, मैंने बोला था ना वो लेफ्ट को टर्न होगा। लड़की लग रही है, पता है होगी। चलो So, मुझे छुट्टी होगी है, 4 बज गए हैं, एक्चुअली 4:30 हो गए हैं। एंड मैं अंदर बैठी सोच रही थी कि मैं बाहर इतनी सुंदर धूप है जाऊं या अपना काम करूं, बट इतना सुंदर व्यू देख के लगता था मैं घर पे रुकूंगी। तो जो सन की लाइट है ना बहुत ज्यादा ब्राइट है। Look at this. यहां से ना लाइट रिफ्लेक्ट होके आंखों में पड़ती है। आज है वेंसडे, ठीक है, आज इतनी सुंदर धूप है, कल को धूप नहीं होगी, बादल हो जाएंगे, परसों को बारिश आएगी, फिर स्नो के चांसेस हैं। अभी ये पुरानी वाली 2 वीक्स पहले की स्नो है, पता ये वैसे ही है अभी तक। एंड मैं जा रही हूँ ग्रोसरी स्टोर थोड़ा सामान लेने। इंडिया में ना बोलते थे कि सब्जी लेके आनी है, सौदा लेके आना है, पर यहाँ पे आके ग्रोसरी करनी है, ग्रोसरी लेके आनी है। मतलब एक वर्ड अंग्रेजी का और बाद में हिंदी पंजाबी। अगर हमने कूड़ा फेंकने जाना है ना तो बोलते हैं गार्बेज करके आना है। तो जो मेरा लास्ट तकड़ा ही वाला स्नोफॉल हुआ था ना, उसके बाद ग्रोसरी स्टोर पे मैं आज जा रही हूँ। पता ये देखो, ये इनका ना पेड़ा है यार्ड, वहाँ पे स्नो है। जैसे पहले लोग मिट्टी से घर बनाते थे ना, अपने मिट्टी से अपनी रास्ते बनाते थे, दीवारें बनाती थी, ऐसा लग रहा है ना जैसे ये मिट्टी से बना हुआ है, जैसे बर्फ से इन्होंने अपनी दीवारें बनाई हुई है ना। आज मुझे एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक डिस्कस करना है। हर एक बंदे की ना एक यूनिकनेस होती है, ठीक है, किसी की आंखें अच्छी होती हैं, किसी के बाल लंबे होते हैं, वगैरह वगैरह, और वो इंसान ना उस यूनिकनेस के कारण ज़्यादा जाना जाता है आसपास। बट सबसे बाकमाल यूनिकनेस पता क्या होती है, इंसान की नेचर, वो उस नेचर के साथ जाना जाता है। एक नेचर होती है नॉन जजमेंटल, एक ना स्पेसिफिक नेचर वाले लोग होते हैं जो ना दुनिया में कुछ भी हो जाए वो ना जज नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी से कुछ तीसरे बंदे के बारे में या किसी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ पता चलता है ना, जो बंदा हमें बता रहा होता है हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है विदाउट हम पर्सनली थर्ड पर्सन को जानते हैं, ठीक है, तो वो जो इमेज बन जाती है ना वो एक ना इनडायरेक्टली हम उस बंदे को जज कर रहे होते हैं। तो कई लोग होते हैं जिनको आप कुछ भी बताई जाओ वो ना जज नहीं करते किसी को, तो ये एक नेचर होती है, ठीक है।
ये और ये कोई मिट्टी की दीवारें नहीं है, ये स्नो है। इतनी गंदी ये कनाडा है, ये यहाँ पे भी गंद होता है, सिर्फ साफ सुथरा नहीं होता। कई लोगों को लगता है कनाडा सिर्फ साफ सुथरा है। एक और मुझे नेचर याद आई है, वो है गिविंग नेचर। कई लोगों की ना गिविंग नेचर होती है कि आप किसी भी मुसीबत में आप उनसे हेल्प मांगने जाते हो, वो ऑलवेज रेडी होते हैं। पता जरूरी नहीं वो जिन लोगों की हेल्प करते हैं टाइम आने पे वो सब उनकी हेल्प करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बशर्ते कुछ भी है कोई उनकी हेल्प करे ना करे, बट टाइम आने पे वो सबकी हेल्प करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी नेचर है, इसको बोलते हैं गिविंग नेचर, और वो इसी नेचर से जाने जाते हैं। तो मैंने ना थोड़ा चीट करने के लिए एक दो बंदों को फोन किया कि उनको कैसी नेचर पसंद है या उनके अकॉर्डिंग यूनिक नेचर क्या है। एक दो बंदों ने तो फोन ही नहीं उठाया, शिफ्टें, काम, पैसा कमाना, बिजी, बस वही लाइफ। तो जो एक दो ने उठाया वही सेम जेनेरिक रिस्पॉन्सेस, बंदा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। यार कॉन्फिडेंस होना, ओपननेस होनी, ये यूनिक नेचर नहीं है। आजकल सब कॉन्फिडेंट है, सब ओपन है। कईयों में होता नहीं है कॉन्फिडेंस, मैं मानती हूँ कईयों को काफी डर लगता है, बट ये ना एक्चुअल यूनिकनेस में नहीं आता मेरे अकॉर्डिंग। आई एम नॉट श्योर भाई, ये वर्किंग डे है तभी इतनी भीड़ नहीं है। बता तो मैंने तीन चीजें लिए हैं, तो इन पेड़ों को देख के ना मेरे दिमाग में एक और नेचर आई है, वो ये है कि कई लोगों की नेचर ना ऐसी होती है, अगर वो फेल भी हो जाते हैं ना, वो उस फेलियर में स्टक नहीं होके रहते, वो कोई और काम स्टार्ट कर देते हैं, वो दोबारा से शुरू कर देते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं, वो कुछ भी करते हैं बट उस फेलियर में स्टक होके हार नहीं मानते। ये भी कमाल की नेचर है, बताए इसके लिए ना विल पावर होनी चाहिए, एक स्टेबल माइंड सेट होना चाहिए। इस बंदे ने भी मुझे डरा दिया यार। यार एक्चुअली ना मैं अपनी वीडियो में खोई होती हूँ, तो इधर उधर जाते जो आगे पीछे लोग आते हैं वो डरा देते हैं मुझे। तो मेरा दिल है यहाँ से ना अंदर भागने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो है, बट मैं जा नहीं सकती क्योंकि ट्रेसपासिंग हो जाएगी। ये पेड़ की नेचर क्या है बताओ, ये सारी जिंदगी यहीं पे खड़े रहते हैं, यहीं पे खड़ा रहेगा ये सारी लाइफ, और लाइफ का जो सर्कल है पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस यहाँ पे खड़ा खड़ा ले लेगा ये, मतलब यहीं से अर्थ के अंदर से इसकी जो डेवलपमेंट है वो होगी। हम कहाँ कहाँ शहर टू शहर, देश अलग अलग देश घूमते रहते हैं और फिर आके अपने शहर देखते हैं, पेड़ वहीं का वहीं खड़ा होता है। हम कितने चेंज हो जाते हैं, चेंज ये भी होते हैं बट हमें दिखता नहीं है। बता यार हर साल तो ये चेंज होते हैं, अभी ये ऐसा है, कुछ महीनों में दिखा दूंगी मैं इसके अंदर चेंज, हरा भरा होगा, रंग ही चेंज कर देगा अपना ये। तो एक और नेचर आ गई है मेरे दिमाग में, वो है सिंपल रहना। अभी सिंपल रहना और मेसी रहना ये दो अलग अलग चीजें हैं। सिंपल रहना, मेसी रहना और फैंसी रहना, तीन अलग नेचर है, ठीक है, तीन अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ना अपने ना खाना सर्व करना है, एक तो आप खाना सर्व कर रहे हो महंगे पत्तियों में, ऐसे फूल पत्तियाँ लगा के फैंसी स्टाइल में प्रेजेंटेशन कर रहे हो,
एक कर रहे हो आप एक गंदा प्लेट्स में गंदा खाना है, मतलब खाना ठीक है बट उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत गंदी है, सफाई नहीं है, ठीक है। तीसरा है आप सिंपल एक कटोरी एक प्लेट में आप खाना सर्व कर रहे हो, दैट इज सिंपलिसिटी। तो सिंपल रहना और सिंपलिसिटी को मेंटेन करना, ये भी एक हम इसको यूनिक नेचर में ले लेते हैं, बट नेचर में नहीं, सिंपल रहना इज ऑल्सो पर्सनैलिटी राइट। तो कोई बात नहीं, एक एक स्थान खाली था, इसको आप नेचर में कंसिडर कर लो, ठीक है। सिंपल नेचर भी हो सकती है। ओह माय गॉड, यहाँ पे बस चलने लगी। इस एरिया में अभी तक बसेस स्टार्ट नहीं हुई थी, ये एरिया ना ज्यादा डेवलप नहीं है। सीरियसली यहाँ पे बस चलने लगी है, पता देख के खुशी हुई कि यहाँ पे बस चलने लगी है। अरे चलो, तो सिंपल है ना, सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं, हम इसको नेचर में भी कंसिडर करते हैं कि जैसे कई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा है, नहीं यार नेचर में नहीं कंसिडर होगा, कोई बात नहीं कर लो इसको पर्सनैलिटी स्लैश नेचर। शाम के 6 बज रहे हैं और बाहर ऐसा मौसम है और मैं अपना डिनर कर रही हूँ। आज भी मैं सैंडविच खा रही हूँ, हाफ सैंडविच मैं खा रही हूँ, हाफ मैंने रख दिया है। तो ना मोस्टली लोग 6 बजे के आसपास यहाँ पे डिनर कर लेते हैं, हालांकि दिन अभी ब्राइट है, पूरा दिन है, अभी सनसेट हुआ नहीं है, बट स्टिल लोग कर लेते हैं क्योंकि शिफ्ट ऐसे होती है कि कईयों की अब शिफ्ट स्टार्ट होगी 7 बजे 8 बजे 9 बजे, तो यही एक परफेक्ट टाइम होता है डिनर करने का। बाकी जब मैं इंडिया में थी ना तब हम 9-10 बजे डिनर करते थे, पर यहाँ पे आके जब मैंने 6 बजे डिनर करना स्टार्ट किया, मुझे ना ये रूटीन अच्छा लगा क्योंकि अभी 2-3 घंटे बाद सोना है तो सारा डाइजेस्ट भी हो जाता है एंड एक अच्छा फील होता है बस। कई बार होता है, एक आध बार नहीं होता, बट ट्राई रहती है कि मैं फटाफट अपना डिनर कंप्लीट करूँ।